हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल विजिल मिलियंस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीवीएस एंटॉर्क का नया रेस एडिशन। ब्लैक बेस है जिसमें ब्लू के जो हल्के बहुत फर्क दिख रहे हैं उसको इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। पर सबसे पहले जैसे दिमाग में आता है कि शाम को लुक ये कैसे दिखेगा, तो सूर्य ढलने के बाद का जो हल्का सा रोशनी है उस पर मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको रेस एडिशन शाम को कितना बेहतर दिखता है वो भी समझ में आ सके। कीमत अगर मैं टैली करूं तो मेरे सिटी पे इसकी कीमत पड़ती है 1,16,000 रुपीस। अब जैसे दिमाग में आता है कि 1,16,000 अगर इसमें मैं फंसाता हूं तो क्या ये गाड़ी बेहतर है कि नहीं वो देखते हैं। तो जैसे सामने ही आप DRL का सेटअप देखोगे ना, बहुत गजब है। और इसके बाद का जो LED हेडलैम्प्स का भी सेटअप है वो भी काफ़ी प्यूरिफाइड और बेस्ट लगता है। वहीं पर साइड में और सामने की तरफ मैं देखूं तो ये पोर्शन आपको ग्लॉसी में मिलता है। नोटिस करिएगा ये मैट फिनिश में है। जैसे दूर से मैं दिखाऊं तो ये भाग थोड़ा सा ग्लॉसी टच दे रहा है, ये मैट फिनिश है। यहाँ के जो ग्राफिक्स हैं, जैसे टिप पॉइंट से यहाँ से शुरुआत हुआ है, हल्का सा बॉक्सी शेप और यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन के साथ कुछ ऐसा मिलेगा। हल्की सी डिटेलिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। साइड के ग्राफिक्स को अगर मैं बताऊँ तो वैसे ही जैसे 125 का एक लेंस टच रहता था वैसे ही मिलता है, पर इसमें ब्लू का इंसर्ट मिलता है। ये जो हल्का सा ग्रेज भाग है इसमें ब्लू दिया हुआ है यहाँ पोर्शन में, और ये चार बॉक्स में, और 125 थोड़ा सा कार्बन फिनिश जैसा टच रहता है वैसा मिल गया है। फिर जैसे नीचे जाएं तो TVS रेसिंग यहाँ जो लिखा हुआ है ये भी वैसे ही टच देता है, एग्जैक्ट एक कार्बन फिनिश ना होके एक कार्बन फिनिश टच इसमें मिल जाता है। सामने के जैसे ये अलॉय सेटअप आप देख रहे हैं, पहली बात तो 12 के इसमें सामने मिल जाते हैं आपको कवरिंग। और वहीं पर सेक्शन के बारे में बात करूं तो 100x80 आपको सेक्शन प्रोवाइड कराया गया है, और 12 इंच के कुछ व्हील सेटअप के साथ कुछ ऐसा खूबसूरत दिखेगा जिसमें ग्रिपिंग ऐसी मिल जाएगी आपको। फिर जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ तो शाम को अभी लुक आप देख रहे हैं तो रेस एडिशन पे सूरज डूबने के बाद कुछ ऐसा लुक दिखेगा जिसमें यहाँ पर एंटॉर्क 125 लिखा हुआ है रेस एडिशन। अब इसको और क्लासिफाई करके मैं बताता हूँ। जैसे एंटॉर्क देख रहे होंगे ये सिल्वर, बेस जो है इसका ब्लैक है जैसे क्लोज में मैं दिखाऊं, और वहीं पर 125 जो है लिखा हुआ ये लाल में है और इसका बेस सिल्वर है। और यहाँ पर जैसे देखेंगे रेस एडिशन दो भागों में जो विभाजित है, एक रेड में लिखा हुआ है और एडिशन व्हाइट में है, और कुछ इस प्रकार का ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट इसका एक नंबर है। अगर आपने क्लियर वीडियो नहीं देखा है तो मेरा टोटल आप देख लीजिए, जो मेरा एक प्रॉपर व्लॉग चैनल है उसमें मैंने एक टेस्ट राइड से रिलेटेड और राइड कंफर्ट को लेते हुए जितने भी वीडियो कवर किए हैं, ये एग्जॉस्ट भी उसका एक हिस्सा मैंने कवर कर लिया है। तो एग्जॉस्ट आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। बैक लैंप्स भी बहुत अट्रैक्टिव है। मैं एक जैसे मानता हूँ TVS एंटॉर्क ने कंप्लीट है आवाज से रिलेटेड, चाहे डिजाइन एलिमेंट से, क्योंकि पीछे भी इतना खूबसूरत लगता है, नॉर्मल जो भी व्हीकल है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। तो शाम को बैक लैंप्स का लुक कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सीट सिंगुलर मिलेगा आपको और एक परफेक्ट वे में जैसा होना चाहिए, जैसे लेफ्ट साइड है वैसे ही राइट साइड आपको सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मिल जाता है। फुट रेस्ट जैसे आप देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा जो कि कंफर्टेबल है, और पीछे जो सिंगल वाला फुट रेस्ट है जो एक साइड जैसे बैठते हैं महिलाएं उनके लिए, ये चीज व्यवस्थित की गई है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं जो नया वाला XT है उसको बहुत पसंद किया हूँ, पर XT के अलावा अगर आप नहीं चाहते हैं और ये सिंपल वे में रखना चाहते हो तो रेस एडिशन में कुछ इस प्रकार से छोटा सा मिल जाता है जिसमें कितने किलोमीटर्स में गाड़ी चल रही है ये ऑलरेडी आप वाकिफ है, पर फिर भी एक बार बता देता हूँ। सबसे बड़ा भाग में ये दिखाता है कितने किलोमीटर्स पर आर पे गाड़ी चल रही है। ट्रिप ए सेट यहाँ की जानकारी बता देगा, क्या टाइम हो रहा है, अभी प्रॉपर सेट नहीं है, अभी शाम का समय है, और यहाँ पर जैसे कितने किलोमीटर गाड़ी टोटल चल चुकी है वो जानकारी, और हीट कोई इश्यू प्रॉब्लम, ऑयल के इंडिकेशन, यहाँ पर फ्यूल कितना भरा हुआ है वो सब जानकारी इसमें बता देगा। राइडर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर मैं गाड़ी में बैठता हूं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा सामने का भाग, जहां पर पास लाइट के लिए अपर डिपर और ये इंडिकेटर आपको कुछ इस प्रकार से टचिंग मिल जाएंगे। वहां सेंटर में आप दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। हॉर्न कुछ ऐसा मिलता है, और वहीं पर जैसे इंडिकेटर के बारे में ही बताऊं ना मैं तो कुछ इस प्रकार से इंडिकेटर दिए हुए हैं जो शाम को लुक ऐसा दिखता है। वहीं पर जैसे इंडिकेटर को मैं यहाँ पर ऑफ कर दूं, और यहाँ पर आपको प्रॉपर ये पार्किंग वाला मुझे सिस्टम बहुत अच्छा लगा, ये आपको किल स्विच के बाद जो इग्निशन स्टार्ट करने का सेल्फ दिया हुआ है
और वहीं पर जैसे मैं ये पार्किंग वाला बता रहा था उसको एक बार झलक दिखा देता हूँ। तो सामने से कुछ ब्लिंकिंग ऐसे दिखेगा। अब देखिए रात को ग्लेंस मेरा दिखाने का पर्पज ये था कि आप एक प्रॉपर तरीके से देख सकें सामने DRL, और ऐसा जब डबल पार्किंग लाइट जलता है तो ये गाड़ी कुछ इतना खूबसूरत लगता है। ओवरऑल गाड़ी इस कीमत के हिसाब से मुझे बेहतर लगा। अगर आप कंप्लीट पूरा व्लॉग से रिलेटेड एक फनी स्टाइल पे देखना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग चैनल पे चले जाइए, जो विजिल मिलियंस नाम से ना रख के मैंने अपने नाम पे रखा है, जो प्रशांत मॉरिस नाम से है। तो उस चैनल पे आपको व्लॉग से रिलेटेड जो हम पूरे निकले थे, क्या डिटेलिंग थी, कम्फर्ट थी, दो लोग बैठे थे, चेक किए थे, वो चीज़ आपको मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।